अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशन। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। आई एम हाफ वे थ्रू इट, आधी बनाई है आधी नहीं बनाई, लेकिन ये वो मैंने बना लिया है। थिक भी हो चुका है, वो दही और बेसन को जो मिक्स करते हैं उसको पकाते हैं, सो दैट्स रेडी। अब मैंने ऐसे किया है कि ये मेरे पकौड़े हैं, दे डोंट लुक वेरी नाइस, बट द थिंग इज़ कि मैंने इनको बेक किया है। अभी और भी बेक करी हूँ, अभी बल्कि अवन में और भी पड़े हुए हैं। मैंने जब लास्ट टाइम पकौड़े बेक किए तो वो अंदर से काफ़ी हद तक कच्चे थे, तो इस दफ़ा मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें और फिर वो बैटर डाल दें और फिर उसको यू नो बेक इट। बट आज मैंने ऐसे किया कि यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा तेल ब्रश किया, देखें यू कैन सी इट, ज़रा ज़्यादा था, तो उस वजह से आज मेरे पकौड़े यू नो देर कुक्ड फ्रॉम इन साइड, सो देर रियली देर बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं है, विच आई एम रियली रियली हैप्पी। इस दफ़ा सही बना है, बिल्कुल आई एम हैप्पी विद। मैंने अभी ट्राई भी किया है, कच्चा भी नहीं बल्कि क्रिस्पी भी है, सो इट्स फाइन, सो आई एम हैप्पी विद इट। तो अगर आप अभी देखें तो अभी मेरा उसमें कढ़ी में बिल्कुल कहीं से कोई ऑयल है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन इन्जॉय दिस कढ़ी, ठीक है ना। इसमें यह है कि अब मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं पोर्शन की जब भी बात करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि अंदाजे से कम खाएं, बस कम खाएं, लेकिन अगर इफ़ यू स्ट्रिक्टली फॉलो द पोर्शंस, 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन का जो होता है दैट्स 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन। तो आप अपना हिसाब लगा लें फिर कि आप ऐसे भी, क्योंकि घर में तो फ्राइड पकौड़े खाते होंगे, आप अपने लिए 2 टेबल स्पून के पकौड़े बेक कर लें, अवन फ्राई कर लें, जो भी करना है, और फिर अपने लिए थोड़ा सा ये कढ़ी का जो ये लस्सी टाइप है वो अपने लिए अलहदा कर लें। कढ़ी में जब हम जो बेसन डालते हैं, अब यू कैन नॉट टेक दैट इन टू अकाउंट, क्या क्या चीज़ का अकाउंट करेंगे, बस उसको आप खैर है थोड़ा सा इग्नोर कर लें कितना ही उसमें आपने डाला होगा। इसके अलावा अच्छा तो वो तो इस तरह से यू नो यू कैन मेक। अच्छा अब बिगार, आई थिंक द मेजर थिंग इज़ द बिगार, बिकॉज अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लस्सी भी बन चुकी है, इसमें भी कोई तेल नहीं, कोई बुराई नहीं है। 2 टेबल स्पून में मैं अपने पकौड़े मज़े से इसमें डाल के इंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप देखें सो आप 1 टीस्पून में अपना ज़ीरा और वो जो रेड रेड बड़ी बड़ी मिर्ची होती है जो भी आप डालते हैं, आप उसका भिगार इस पे अपना अपने लिए हल्का सा हटा दें और उस पे डाल दें। मैं भिगार डालूंगी बिल्कुल, क्योंकि आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कढ़ी में तेल बहुत कम है, मैं भिगार डालूंगी, शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाए, 1 टीस्पून से शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन टेक 3 टेबल स्पून ऑफ ये बेसन, उससे पकौड़े बन गए। ये आप अपने लिए, मैंने कह दिया कि इसमें जो बेसन है उसको खैर गोली मारे कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि उसमें आप ये सोच सकते हैं कि दही जो आपने डाले वो आपके डेयरी के पोर्शन में इस्तेमाल हो सकता है, और 1 टीस्पून ऑफ ऑयल आपने इस्तेमाल किया अपने भिगार के लिए अपनी प्लेट के लिए, सो आई थिंक इट्स डूएबल। अब मैं ऐसे करती हूँ, ये तो मैंने बना दिया है, अभी बनाऊंगी, बल्कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं छोटी सी वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे भी अपनी डाल दूंगी, अपनी स्टोरीज पे थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए। अभी तो मैंने ज़रा बहुत लंबा करके बात की है, इंस्टाग्राम पे मैं छोटी सी इसकी क्लिप बना के अपने हाईलाइट्स पे डाल दूंगी। आई लव ऑल ऑफ यू अ लॉट, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। अल्लाह हाफिज़।